हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स के लिए हम कल चर्चा किए थे ऊल की, कॉटन की और सिल्क की। आज हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैनमेड फाइबर एंड आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनी प्लांट एंड एनिमल सोर्स। सिंथेटिक फाइबर जो है वो मैनमेड फाइबर है और ये जो है किसी प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं होता। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिजल्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर टू मीट ए ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ऐसा देखो, सिंथेटिक फाइबर की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहने का मतलब है कि जो ये पॉपुलेशन बढ़ा और हमारे पास कॉटन तो कम है, ऊल भी कम है और जूट भी कम है ना, तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ते गया तो हम उसके डिमांड को कैसे भरेंगे? भाई एक आदमी है, मान लो एक आदमी के 8-10 बच्चे हैं, ठीक है। तो जब वो आदमी था और उसको 8-10 बच्चे, तो सबों को कपड़ा चाहिए, है कि नहीं? सबको नाइट सूट चाहिए, सबको स्कूल ड्रेस चाहिए, सबको कॉमन ड्रेस चाहिए, है ना? तो ये कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारे पास तो ऊल भी सीमित है और हमारे पास क्या है, बहुत सारे चीज़ लिमिटेड हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंथेटिक फाइबर का सहारा लिया। और सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन, रेयन और पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। दीज फाइबर आर एक्चुअली प्लास्टिक मेड केमिकल्स दैट आर कॉमनली मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ये जो होते हैं प्लास्टिक मेड होते हैं और ये क्या होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। द सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्ग एंड डू नॉट गेट रिंकल एंड ड्राई अप इजली। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ड्राई अप नहीं होते, इजी नहीं सूख, ठीक है, ड्राई और इजली सूख जाते हैं। दीज फाइबर हैव लेसर रियर स्पेस विद इन देम सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट एंड आर अनसुटेबल फॉर यूजिंग इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसलिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये क्या होते हैं, अनसुटेबल होते हैं, सुटेबल नहीं होते, आराम नहीं होता। हाँ, चिप होता है और ड्यूरेबल भी होता है, बट सुटेबल नहीं होता। सुटेबल जो है वो कॉटन है, वूल है और सिल्क है। सिंथेटिक फाइबर आर यूजली मिक्स विद द अदर नेचुरल फाइबर एंड कॉटन और वूल, ठीक है। कॉटन और वूल के साथ हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कॉटन और वूल के साथ इसको मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण कि हमको आराम थोड़ा मिल सके। कन्वर्सेशन ऑफ फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर से फैब्रिक बनाने की क्रिया। तो ऑल क्लॉथ आर मेड फ्रॉम फैब्रिक, इफ वी लुक क्लोजली टू एनी फैब्रिक वी कैन सी दैट इट इज मेड बाई द मैनी थ्रेड्स। अगर किसी फैब्रिक को देखेंगे, किसी कपड़े को हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि यह बहुत सारे थ्रेड से बना है। दीज थीन थ्रेड आर कॉल यार्न, इस पतले को हम क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। दिस यार्न टूगेदर रिप्रोड्यूस फैब्रिक, और यह यार्न क्या कहलाता है, फैब्रिक कहलाता है। इच यार्न इज फर्दर मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग एंड वेरी थीन स्ट्रैंड कॉल फाइबर। ये बहुत लंबे और पतले जो होते हैं धागे होते हैं, इसको हम फाइबर कहते हैं। द फैब्रिक इज देन स्टिच टू मेड क्लॉथ। फैब्रिक हम स्टिच करके क्या करते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन फैब्रिक कैन बी स्टिच इन टू कॉटन फ्रॉक और एक कॉटन कुर्ता। कॉटन फैब्रिक को हम करके क्या बनाते हैं, कॉटन का फ्रॉक या कुर्ता बनाते हैं। फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ फाइबर टू फैब्रिक टू मेन प्रोसेस आर यूज, दो मेन प्रोसेस है और वह है वेविंग और नीटिंग, बुनना और नीटिंग। नीटिंग का मतलब होता है जो कांटे वाली सलाई या जो लकड़ियाँ होती है उससे मिक्स करना। अब वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक। देखो, परपेंडिकुलर एक ऐसे और एक ऐसे, तो अगर परपेंडिकुलर जो बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एक थ्रेड को सीधा रहता है और एक थ्रेड क्रॉस करता है उसको, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर देखे ना, चौराहा, तो चौराहा में क्या होता है, वर्टिकली होता है और एक हॉरिजॉन्टली होता है। उसी तरह एक धागा जो होता है वर्टिकली होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टली होता है। फैब्रिक का ओवन इज यूजली मशीन इज कॉल्ड लूम। फैब्रिक जिस मशीन से किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं, ठीक है। अगर वो लूम मैन के द्वारा हो तो इसको हैंड लूम कहते हैं, अगर मशीन के द्वारा हो तो इसको हम बोलते हैं पावर लूम। नीटिंग, नीटिंग इज द प्रोसेस दैट मेक अ सिंगल यार्न टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। और नीटिंग देखो, ऐसा फिगर से तुमको लग रहा है कि एक सिलाई जो क्या सिलाई बोलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कपड़े को, स्वेटर को बुना जाता है। इफ यू पुल ए सिंगल यार्न फ्रॉम द थ्रेड, अगर पूरे बने हुए से एक सिंगल धागा खींचे तो क्या होगा, अनवेवन हो जाएगा, ये खुल जाएगा।
स्वेटर है ना, स्वेटर के एक धागे को पकड़ के खींचोगे तो क्या होगा, ये खुल जाएगा। नीटिंग कैन बी डन बाई हैंड और बाई मशीन, तो नीटिंग जो है बाई हैंड और मशीन दोनों से क्या हो सकता है, होता है। हाँ भाई, चैप्टर तो आपके ख़त्म हो गए, तो आज के चैप्टर में इतना ही था। और ये क्वेश्चन सर जो है ना आपका, तो थोड़ा सा क्वेश्चन सर आप कर लीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं, और थोड़ा सा देख लीजिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक फाइबर, इसमें से जो है ना, ये देखो एक्सरसाइज आप देख लो। तो एक्सरसाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, कॉटन, वूल, रेयन और हेम्प, तो इसमें क्या होगा, रेयन होगा। विच ऑफ दीज एन एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर कौन है, सिल्क है, कॉटन है, लिलेन है, जूट है, तो इसमें क्या होगा, सिल्क होगा। लिलेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट हेम्प, देखो लिलेन किस प्लांट से होता है, ये फ्लैक्स से, सॉरी लिलेन जो होता है फ्लैक्स प्लांट से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट फ्रॉम प्लांट, द कॉटन और जूट होगा इसका। दिस इज द ओनली फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एन इंसेक्ट, तो इसमें होगा सिल्क, ठीक है। तो बस इतना कर लो, और फिर नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो होगा लेसन 4। आज तो बस इतना ही कर दे रहे हैं, नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी क्लास 6 के लिए लेसन 8 में आपको पढ़ना है डिसिमल, और डिसिमल प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़े होंगे। डिसिमल इट मीन्स दशमलव। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि द नंबर रिटन इन डिसिमल, अगर कोई भी नंबर डिसिमल में लिखा जाता है तो उसको हम कहते हैं डिसिमल नंबर। अब यानी सिंपली डिसिमल। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज डिसिमल, डिसिमल क्या है। तो कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, जैसे यहाँ देखिए, डेसिमल नंबर्स और द सिंपली डेसिमल्स आर द फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000। अगर कोई भी नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो वह जो फ्रैक्शन होगा वह डेसिमल कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल 3/10, अगर मान लीजिए कि यहाँ एग्जाम्पल हम देते हैं 3/10, 7/10, तो यह डेसिमल वाला नंबर है, यानी इसको हम कह सकते हैं 0.3, और इसको कह सकते हैं 0.7, है ना। तो 3/10, 7/10, तो इस तरह से हम डिसिमल क्या है, डिसिमल के बारे में आपको जानकारी दी। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज डिसिमल, डिसिमल में चेंज कैसे किया जाता है, कन्वर्ट इनटू डिसिमल। और दूसरा जो टॉपिक है वह प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले 10,000, उसके बाद 1000, उसके बाद 100, उसके बाद 10, वंस, डिसिमल पॉइंट, और डिसिमल पॉइंट के बाद टेंथ्स, यानी 1/10, हंड्रेड्स 1/100, थाउजेंड्स 1/1000, ये होल नंबर पार्ट्स। तो जो पहले है फ्रैक्शन के पहले है, जैसे टेंथ मैंने कहा तो 1/10, यहाँ पर 1/10 यानी टेंथ्स हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो होल नंबर पार्ट है वह 10,000,
थाउजेंड हंड्रेड्स टेन वंस तक है और डिसिमल पॉइंट तक भी है। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू चार्ट जो बुक में दिया गया है। और इस टॉपिक के बाद जो थर्ड टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डिसिमल्स है। लाइक डिसिमल किसको कहते हैं, व्हाट इज लाइक डिसिमल, यहां पर आप बोर्ड पर देखेंगे पहला टॉपिक है लाइक डिसिमल और दूसरा टॉपिक है अनलाइक डिसिमल। इस दोनों टॉपिक को आपको समझा दें। लाइक डिसिमल, द डिसिमल नंबर व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ द डिजिट इन द डिसिमल पार्ट आर कॉल्ड द लाइक डिसिमल। यहां पे लाइक डिसिमल और अनलाइक डिसिमल दो टॉपिक हैं, है ना। द डिसिमल नंबर व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ द डिजिट इन द डिसिमल पार्ट आर कॉल्ड लाइक डिसिमल। यहां पर देखिए 3.24, यहां पर इस लाइक डिसिमल में 3.24 डिसिमल के बाद कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं। यहां पर 72.05 डिसिमल के बाद कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं। तो ये दोनों जो हुआ, यहां पर डिसिमल के बाद आप टू डिजिट को देखते हैं, यहां भी डिसिमल के बाद टू डिजिट को देखते हैं, तो इस प्रकार का जो डिसिमल नंबर होगा वो किस में आएगा, लाइक डिसिमल में आएगा। किस में आएगा, लाइक डिसिमल में आएगा, क्लियर। और अनलाइक डिसिमल में क्या होता है कि डिसिमल पार्ट जो है, डिसिमल के बाद वाला पार्ट डिफरेंट टाइप का हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखेंगे यहां पर 3.14 है, यहां पर देख रहे हैं कि 31.4 है। तो इस नंबर में यहां पर डिसिमल पार्ट जो है, डिसिमल के बाद दो नंबर है, यहां डिसिमल के बाद वन नंबर है, तो इस जो डिफरेंट हो जाता है, सेम नंबर नहीं होता है डिसिमल पार्ट का, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम अनलाइक डिसिमल कहेंगे, क्लियर। तो यहां पर जो लाइक और अनलाइक डिसिमल की चर्चा हो रही थी, इसमें पहला मैंने लाइक डिसिमल बताया कि द डिसिमल नंबर व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ द डिजिट इन द डिसिमल पार्ट आर कॉल्ड लाइक डिसिमल। और सेकंड जो अनलाइक की चर्चा हो रही थी, द डिसिमल नंबर्स व्हिच हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ द डिजिट द डिसिमल पार्ट ऑफ द नंबर आर कॉल्ड अनलाइक डिसिमल। दोनों का एग्जांपल मैंने समझा दिया। अब कंपैरिजन ऑफ द टू डिसिमल्स, दो डिसिमल के बीच में कंपैरिजन हम कैसे निकालते हैं। ये दोनों डिसिमल के बीच में जो कंपैरिजन की जहां तक चर्चा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम इसको बांटेंगे, इसको देखेंगे और समझेंगे भी कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए अगर दोनों ही इक्वल पार्ट, जैसे डिसिमल के बाद दो डिजिट है, यहाँ भी डिसिमल के बाद, तो इस नंबर में और इस नंबर में क्या फर्क है ना। देखने से लगता है ना कि 3.24 है, यहाँ पर 72.05 है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो नंबर हुआ वो लार्जर नंबर हुआ, ये जो नंबर हुआ वो क्या हुआ, स्मॉलर नंबर हुआ। तो ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम नंबर सेम डिजिट का हो तो उस कंडीशन में लेस देन ग्रेटर देन निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन जैसा मिलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। अब यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम 8.1 स्टार्ट होने जा रहा है, आप 8.1 देखेंगे और एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप बनाएंगे। इसमें एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। 8.1 में क्या है,
कंपेयर द फॉलोइंग बाय यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां पर ए नंबर में आपका यूज करना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, 0.437 और बीच में गैप है, बीच में बॉक्स है और लास्ट में लिखा हुआ है 0.4370। देखिए दोनों ही ठीक है, दोनों ही नंबर आपका वैल्यूएबल है, डिसमल के बाद 3 डिजिट है, डिसमल के बाद 4 डिजिट है। अब देखिए, अब आपको ट्रिक बता रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, डिसमल के बाद 437 है, अगर हम 437 करते हैं तो नीचे हो जाएगा 1000, क्लियर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डिसमल के बाद 4370 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1000 से ज्यादा 10,000 हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखेंगे कि ये जीरो से तो ये जीरो कट गया। अब आप दोनों डिजिट को देख करके बता सकते हैं कि 437 बाई 1000 ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्लियर। अब इक्वल कैसे हैं, क्लियर, क्योंकि 437 को 1000 से डिवाइड करेंगे या 437 को भी 1000 से डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वल नंबर है, सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ए नंबर में आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है जिस हिसाब से डिसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज करके और छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब यहां पर बी नंबर में है, टिक द लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन दो दो का पेयर दिया हुआ है, यहां पर 54.7 है, 6.73 है, 1.11 है। अब देखेंगे हम कि कौन लाइक फ्रैक्शन में है कौन अनलाइक फ्रैक्शन में है, तो जो लाइक फ्रैक्शन में होगा उसको टिक लगाएंगे और जो अनलाइक फ्रैक्शन में होगा उसको टिक नहीं लगाएंगे। तो यहां पर बुक में क्वेश्चन देखने पर पता चलता है कि 54.7, 6.73 और 1.11, ठीक है, ये किस में है, अनलाइक में या लाइक में है, तो अनलाइक में, तो जो लाइक में होगा उसी को टिक लगाएंगे और अनलाइक वाला हम छोड़ देंगे, तो ये क्लियर है। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन पढ़ाते समय आपको बताए थे हम कि डिसमल पार्ट जो है इक्वल होना चाहिए, डिसमल के पहले वाला नंबर से कोई मतलब नहीं है, डिसमल का पार्ट इक्वल होना चाहिए, अगर डिसमल का पार्ट इक्वल है तो किस में होगा, लाइक फ्रैक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको देखते हैं, 3 पॉइंट, यहाँ पर 3.47 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3.32 लिखा हुआ है, तो डिसमल पार्ट ये हुआ, डिसमल पार्ट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी डिसमल पार्ट के बाद 2 डिजिट है, तो ये दोनों जो आपका डिसमल पार्ट है वो दोनों सेम है। जब सेम होगा तो हम कहेंगे लाइक डिसमल में है, और डिसमल पार्ट अगर सेम नहीं होगा, यहाँ डिसमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डिसमल के बाद अगर 3 डिजिट हो तो उस कंडीशन में वो डिफरेंट हो जाएगा, तो जब डिफरेंट होगा तो वो आपका अनलाइक फ्रैक्शन में हो जाए, अनलाइक डिसमल में हो जाएगा, क्लियर। तो लाइक डिसमल और अनलाइक डिसमल क्लियर हो गया। कंपेयर में आपको बता दिए, इस फिल इन द ब्लैंक्स में लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तीन को साइन भरना है और सब डिसमल में दिया हुआ है। एक एग्जांपल आपको बताया, डिसमल 437 है और 0.4370 है और दोनों कैसे इक्वल है ये आपको तोड़कर बताए यहाँ पे। तो इस तरह से आप कंपेरिजन कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन आप बनाइएगा, ए नंबर में 8.1 में आपका 12 क्वेश्चन है और बी में 4 क्वेश्चन, 12 4 16 क्वेश्चन हुआ। चलिए, थैंक यू।